हेलो एवरीवन आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट हियर वी आर स्टार्टिंग द थर्ड चैप्टर फ्रॉम होम साइंस क्लास इलेवेंथ एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पार्ट थ्री ऑफ दिस चैप्टर लास्ट वीडियो में हमने फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से फूड ग्रुप्स आई ने सजेस्ट किए थे और उन फूड ग्रुप्स से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उन फूड ग्रुप्स का यूज़ करके कैसे एक बैलेंस्ड डाइट को प्लान किया जाता है ठीक है कैसे एक बैलेंस्ड मील प्लान किया जाता है उसके बाद हम फूड गाइड पिरामिड पढ़ रहे थे इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बुक में कैसे इसको बताया गया है द फूड गाइड पिरामिड इज़ अ ग्राफिक depiction of the daily food guide. The illustration was designed to depict variety, moderation, and also proportions. The size of each section represents the number of daily servings recommended. तो ये जो हमारा food guide pyramid है ना, इससे हमें ये समझ में आता है कि कौन-कौन से food को कैसे meal में use करना है, कैसे diet में use करना है, ठीक है? The broad base at the bottom conveys the message that दैट should be abundant and form the foundation of a healthy diet. देखो बॉटम में फूड पिरामिड का जो बॉटम है उसमें आपको क्या दिखेंगे आपको ग्रेन्स दिखेंगे अनाज दिखेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो ये ग्रेन्स है ना ये किसी भी डाइट का बेस है ठीक है और ये काफ़ी अच्छी खासे अमाउंट में हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए ठीक है कोई भी डाइट बिना ग्रेन्स के नहीं प्लान की जा सकती ग्रेन्स को उसमें आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा अनाजों को इंक्लूड करना ही पड़ेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपीयर एट द नेक्स्ट लेवल शोइंग दैट दे हैव अ लेस प्रोमिनेंट बट स्टिल इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द डाइट उसके बाद ऊपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो ये बता रहे हैं कि ये ग्रेन्स से थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन फिर भी इनका इम्पोर्टेंस है डाइट में ठीक है उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पे ये बताया गया है कि उसके बाद आपके पल्सेस और लेग्यूम्स हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से कम इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन फिर भी ये भी ज़रूरी हैं हमारे मील में हमारी डाइट में उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको मिल्क मीट एंड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं इनकी इम्पॉर्टेंस पल्सेस और लेग्यूम्स से भी कम है लेकिन फिर भी इनकी भी थोड़ी मोड़ी अमाउंट uh, हमारे मील में शामिल होना चाहिए उसके बाद सबसे ऊपर और सबसे कम जिसकी ज़रूरत हमें होती है वो है फैट्स और शुगर इसकी ज़रूरत कम है लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं यहाँ पे लिखी गई हैं ठीक है एल्कोहलिक बेवरेजेस डू नॉट अपीयर इन द पिरामिड बट दे टू इफ़ कंज़्यूम्ड शुड बी लिमिटेड देखो अब यहाँ पे जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है ठीक है लेकिन ये भी कंज्यूम किए जा सकते हैं लेकिन इनका कंजम्पन जो है ना वो लिमिटेड होना चाहिए आइटम्स सच एज स्पाइसी कॉफ़ी टी एंड डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोवाइड फ्यू इफ़ एनी न्यूट्रिय बट कैन एड फ्लेवर एंड प्लेजर टू मील्स वेन यूज़ जूडिशियसली स्पाइसेस, कॉफ़ी टी सॉफ्ट ड्रिंक ये सब क्या होते हैं ये सब बस मील में ऐड किए जाते हैं फ्लेवर के लिए और प्लेजर के लिए इनसे कोई न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिलता है तो इनको भी थोड़ा कम मात्रा में कम अमाउंट में मील में ऐड करना चाहिए ठीक है द डेली फूड गाइड प्लान एंड फूड गाइड पिरामिड इम्फोसाइज ग्रीनस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो जो डेली फूड गाइड प्लान है या जो फूड गाइड पिरामिड है ये किसपे ज़्यादा जोर देता है ये ज़्यादा ग्रेन्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे जोर देता है ठीक है दीज आर ऑल प्लांट फूड्स और ये सब सारे जो ग्रेन्स हो गए वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब क्या है ये सब फूड्स हैं यानी कि ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं सम सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ अ डेज सर्विंग शुड कम फ्रॉम दीज थ्री ग्रुप्स तो डेली मिल का सेवेंटी फाइव परसेंट हमें इन थ्री ग्रुप्स से मिलना चाहिए कौन कौन से ग्रुप्स से जो कि हमारे प्लांट ग्रुप्स हैं उनसे जैसे कि हमारी ग्रेन्स हो गए फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए पल्सेस और लेग्यूम्स हो गए दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स ऑल पीपल ऑप्टेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर विटामिन मिनरल्स विथ लिटिल फैट इट ऑल्सो मेक डाइट प्लानिंग फॉर वेजिटेरियंस ईजियर तो ये जो स्ट्रेटी है मतलब फूड पिरामिड के थ्रू जब आप मील प्लानिंग करते हो तो इससे क्या हो सकता है इससे सभी लोगों को जितने भी ज़रूरी विटमिनस हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स सब कुछ सारे न्यूट्रिएंट्स आराम से मिल जाएंगे ठीक है और जो वेजिटेरियंस हैं हमारे उनके लिए भी डाइट प्लान करना ईजी हो जाएगा ठीक है वेजिटेरियन कौन होते हैं जो लोग नॉनवेज नहीं खाते अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेरियन फूड गाइड यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए डाइट की बात की जाएगी वेजिटेरियन डाइट्स रिलाई मेनली ऑन प्लांट फूड्स ग्रीन वेजिटेबल्स लैग्यूम्स फ्रूट्स सीड्स एंड नट्स वेजिटेरियन डाइट प्लांट फूड्स पे रिलाई करती है जैसे सब्जियाँ हो गई दाल वगैरह हो गए ठीक है सम वेजिटेरियन डाइट इंक्लूड एग्स मिल्क प्रोडक्ट्स और बोथ कुछ वेजिटेरियन डाइट्स में एग को भी इंक्लूड किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है या दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है पीपल हु डू नॉट ईट मीट्स और मिल्क प्रोडक्ट कैन स्टिल यूज़ द डेली फूड गाइड टू क्रिएट एन एडिक्यट डाइट देखो अब ऐसा नहीं है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो फूड पिनामिड का या फूड ग्रुप्स का यूज़ करके बैलेंस डाइट प्लान नहीं कर सकते वो लोग भी बैलेंस डाइट को प्लान कर सकते हैं फूड गाइड का यूज़ करके या फूड पिरामिड का यूज़ करके द फूड ग्रुप्स आर सिमिलर एंड द नंबर ऑफ सर्विंग्स रिमेन द सेम तो वेजिटेरियन के लिए भी जो फूड ग्रुप हैं वो सेम ही रहेंगे और नंबर ऑफ सर्विंग भी उनके लिए सेम रहेगी वेजिटेरियंस कैन सेलेक्ट अल्टरनेटिव टू मीट सच एज लेग्यूम्स सीड्स नट्स टूफो एंड फॉर दोज हुई ईट डैम एग्स अब देखो वेजिटेरियन क्या कर सकते हैं वो मीट का एक अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं अब देखो मीट से हमें क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है तो प्रोटीन अब हमें कहाँ से मिलेगा हम दालें यूज़ कर सकते हैं सीड्स नट्स इनको यूज़ कर सकते हैं और अगर कुछ वेजिटेरियन ऐसे होते हैं जो कि एग खाते हैं तो एग को भी वो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं लेग्यूम्स एंड एटलीस्ट वन कप ऑफ डार्क लीफी ग्रीन्स हेल्प टू सप्लाई द आयरन दैट मीट्स यूजली प्रोवाइड तो अगर कोई वेजिटेरियन जो है वो मीट नहीं खा रहा है तो वो अपनी डाइट में लेग्यूम्स यानी कि दाल को इंक्लूड कर सकता है और हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं ना उनको यूज़ कर सकता है जिससे उसको आयरन मिलता रहे ठीक है वेजिटेरियंस हु डू नाट drink cow's milk can use soy milk a product made by soya beans that provides similar nutrients if it has been fortified with calcium vitamin d and vitamin b12 these nutrients are added dekho अब कुछ वेजिटेरियंस ऐसे भी होते हैं जो गाय का दूध नहीं पीते तो वो लोग सोए मिल्क पी सकते हैं सोए मिल्क क्या होता है ये सोयाबीन से बनाया जाता है और फिर इसके अंदर अलग से कैल्शियम विटामिन डी और विटामिन बी ट्वेल्व को मिला दिया जाता है ताकि मिल्क से जो जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सोए मिल्क से मिले ठीक है द फूड गाइड पिरामिड इम्फोसाइसिस फूड्स फ्रॉम द फाइव फूड ग्रुप्स शोन इन द थ्री लोअर सेक्शंस ऑफ द पिरामिड तो जो फूड गाइड पिरामिड है ना वो जो नीचे के तीन लोअर सेक्शंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता है उन पे ज़्यादा जोर देता है ईच ऑफ दिस फूड ग्रुप प्रोवाइड्स सम बट नॉट ऑल द यू नीड देखो ये जो फाइव फूड ग्रुप्स हैं ना इसमें सब में से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं लेकिन कोई भी ऐसा फूड ग्रुप नहीं है जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करा दे तो इसीलिए हमें हर फूड ग्रुप में से एक एक फूड को अपनी मील में शामिल करना पड़ता है फूड्स इन वन ग्रुप कैन नाट रिप्लेस दोज इन अनदर एक फूड ग्रुप का जो फूड है वो दूसरे फूड ग्रुप के फूड को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि हर फूड ग्रुप का अपना अपना क्वालिटी uh, होती है ठीक है नो वन फूड ग्रुप इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन अनदर फॉर गुड हेल्थ यू नीड ऑल ऑफ दैम तो कोई भी ऐसा फूड ग्रुप नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो दूसरे को हम क्या कर दें इग्नोर कर दें ऐसा नहीं होता अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको इन पाँचों फूड ग्रुप को अपने मील में इंक्लूड करना होगा द पिरामिड इज़ एन आउटलाइन ऑफ वॉट टू ईट ईच डे तो ये जो पिरामिड है ना ये एक आउटलाइन दे देती है एक हमें मतलब आइडिया दे देती है कि हमें क्या खाना चाहिए डेली इट इज़ नॉट अ राइट prescription but a general guide that lets you choose a healthful diet that is right for you देखो अब ऐसा नहीं है कि ये एकदम right prescription है ये एक general prescription है ठीक है यहाँ पे generally बात की गई है कि हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं एक general way में कहा गया है आपसे ये नहीं कहा गया कि आप सिर्फ यही use करो इन्हीं food groups को use करो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग फूड ग्रुप्स को भी यूज़ कर सकते हो लेकिन यहाँ पे ये क्या है ये एक हमें जनरल गाइडन गाइडलाइंस दी गई हैं कि हमें ऐसे यूज़ करना है इन चीज़ों को यूज़ करना है सिर्फ ये एक आउटलाइन बताया गया है हमें एक आइडिया दिया गया है ठीक है द पिरामिड कॉल्स फॉर ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड्स टू गेट द न्यूट्रिय यू नीड एंड एट द सेम टाइम द राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज टू मेनटेन अ हेल्दी वेट तो ये जो फूड पिरामिड है ये हमें बताता है कि हम कैसे अपने मील में डिफरेंट टाइप के फूड को इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलें जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और राइट right अमाउंट में कैलोरीज भी मिले ताकि हमारा जो वेट है हेल्दी वेट है वो मेंटेन रहे ठीक है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइटरी पैटर्न्स इन अडोलसेंस जो हमारे अडोल्सेंस हैं उनके लिए क्या डाइटरी पैटर्न होना चाहिए हेल्दी ईडिंग इज वाइटल फॉर द टीन एजर्स हेल्थ एंड वेलबिंग तो टीन एजर्स की हेल्थ के लिए उनकी वेल well वेलबींग के लिए हेल्दी ईटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ अडोलसंस वेरी ट्रिमेंडसली बट जनरली इंक्रीज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ एंड चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन दैट ओकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी तो ये जो अडोलसंस में न्यूट्रिशनल नीड्स है वो क्या होती है वेरी करती रहती है लेकिन जनरली जो उनके अंदर बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे होते हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है उसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल नीड है ना वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था कि एडोलसेंस में न्यूट्रिशनल नीड क्या होती है एकदम पीक पे होती है ठीक है एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज वाइटल फॉर इंश्योरिंग ओवरऑल इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ तो इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों को मेनटेन करने के लिए एडिकुएट न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो अगर हमें एडोलसेंस को क्रॉनिक डिजीज से बचाना है क्रॉनिक इलनेस से बचाना है तो उनकी ईटिंग हैबिट्स को हमें अच्छा करना पड़ेगा ठीक है स्टडीज ऑफ न्यूट्रिएंट इन हैव शोन दैट एडोल्सेंस आर लाइकली टू ऑप्टेन लेस विटामिन एमीन आयरन एंड कैल्शियम दैन रिकमेंडेड तो स्टडीज से ये पता चला है कि जो एडोल्सेंस होते हैं ना वो क्या करते हैं वो जितना रिकमेंड किया गया है उससे कम विटामिन ए लेते हैं उससे कम थायमिन उससे कम आयरन और उससे कम कैल्शियम लेते हैं मतलब जितना उनके लिए रिकमेंडेड है उससे कम ये सारी चीज़ें वो लेते हैं दे ऑल्सो इनजस्ट more fat sugar protein and sodium than is currently thought to be optimal While concern is often expressed over the habit of eating between meals it has been shown that teenagers obtain substantial nourishment from foods eaten outside of the traditional meals हम दो बार खाना खा लें अगर मतलब दो टाइम खाना खा लें मान लो हमने लंच भी कर लिया हमने डिनर भी कर लिया लेकिन बीच में भी हम क्या करते हैं स्नैक्स वगैरह लेते रहते हैं तो ये जो स्नैक्स वगैरह होते हैं ना इससे भी हमें न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं ऐसा नहीं है कि इससे हमें नरिशमेंट नहीं मिलती हम हमें इससे न्यूट्रियस नहीं मिलते इससे भी हमें न्यूट्रियस मिलते हैं और अगर हम एडोलसेंट्स की बात करें तो वो लोग क्या करते हैं वो ट्रेडिशनल मील्स के अलावा स्नैक्स वगैरह पे ज़्यादा जोर देते हैं अगर उनको फ़ास्ट फूड्स खाने को दे दो तो वो क्या करेंगे बहुत ही मन से खाएंगे तो स्नैक्स से उनको नरिशमेंट ज़्यादा मिलता है न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं अब देखो अभी आपने पढ़ा ना कि वो अब वो फ़ैट शुगर प्रोटीन सोडियम ये सब ज़्यादा इंटेक करते हैं क्यों इंटेक करते हैं क्योंकि ये लोग फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और फास्ट फूड में हमें विटामिनस नहीं मिलते हमें वहाँ पे क्या मिलता है हमें सिर्फ शुगर मिलेगा प्रोटीन मिलेगा फ़ैट मिलेगा और सिर्फ इन सब चीज़ों से इन सब न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी फिट नहीं रह सकती हमें सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाएंगे तो ये फिर हमारी बॉडी को हार्म करेंगे ठीक है और ये भी देखा गया है कि जो एडोल्सेंट्स होते हैं ना वो टाइम और प्लेस को ध्यान में नहीं रखते अगर उनको फ़ास्ट फूड मिल गया तो वो किसी समय पे भी उसको खा सकते हैं इवन अगर लंच का भी टाइम है तो उस टाइम पे भी वो फास्ट फूड खा सकते हैं और चाहे भले इसके लिए वो अपना लंच स्किप कर दें डिनर स्किप कर दें चलेगा उनको तो वो टाइम और प्लेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते ठीक है एम्फोसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एज वेल एज होल ग्रेन्स प्रोडक्ट टू कॉम्प्लीमेंट द फूड हाई इन एनर्जी वैल्यू एंड प्रोटीन दैट दे कॉमनली चूज अब देखो ज़्यादा जोर किस पे देना चाहिए एडोलसेंट्स को फ़्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे देना चाहिए साथ ही साथ जो ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए उनको भी अपने डाइट में अपनी मील में शामिल करना चाहिए ठीक है क्योंकि ये जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं ना ये क्या करते हैं जो एडोल्सेंट हाई प्रोटीन और फैट को ले रहे होते हैं उसको ये लोग क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं ठीक है कौन कंट्रोल करता है वेजिटेबल और फ्रूट्स कंट्रोल करते हैं क्योंकि जनरली एडोलसेंट्स ऐसा फूड लेते हैं जिनमें एनर्जी बहुत हाई होती है प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है तो इसको कवर करने के लिए इसको एकदम बैलेंस्ड करने के लिए ज़रूरी है कि एडोलसेंट फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं फ्रेश फ्रूट्स खाएँ ठीक है साथ ही साथ ग्रेन्स प्रोडक्ट को भी अपनी डाइट में शामिल करें अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि कौन कौन सी हैबिट्स हैं ईटिंग हैबिट्स हैं जो कि एडोलसेंट्स एडॉप्ट करते हैं और क्यों उनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है मतलब एडोलसेंट की ईटिंग हैबिट क्या होती है और क्यों ज़रूरी है कि हम उनकी ईटिंग हैबिट को समझें ठीक है अंडरस्टैंडिंग डाइट पैटर्न्स विल हेल्प अस टू बी बेटर प्रिपेयर्ड टू इवेल्युएट द न्यूट्रिशनल adequacy of diets and ensure that they are meeting the minimum requirement to maintain uh, health and well-being. तो इससे क्या होगा अगर हम उनकी eating से related habits को समझेंगे तो इससे क्या होगा कि हम समझ पाएंगे कि वो कौन से nutrients ले रहे हैं और किन nutrients की उनको ज़रूरत है किन nutrients को उनकी diet में शामिल करने की ज़रूरत है ताकि उनको जो है Uh, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है ठीक है वो पूरी हो सके और उनकी हेल्थ भी अच्छे से मेंटेन रहे मोर कॉमन ईटिंग इंक्लूड स्केपिंग मील्स कंज्यूमिंग फास्ट फूड इन अ रूटीन वे अवॉइडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्नैकिंग फ्रिक्वेंटली एंड डाइटिंग देखो जो एडोल होते हैं उनकी कुछ कॉमन ईटिंग ईडियोसिनक्रेसिस होती हैं ईडियोसिनक्रेसिस क्या होता है जैसे कहते हैं ना कि खाने पीने की एक आदत एक हैबिट हो जाती है ठीक है अब इसको हम नेगेटिव वे में ही लेंगे कि क्योंकि गलत आदत यहाँ पे होती है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं मतलब एडोसिन क्या करते हैं मील्स को स्किप करने लगते हैं फ़ास्ट फूड को ज़्यादा खाते हैं मतलब डेली बेसिस पे वो क्या करते हैं फ़ास्ट फूड को कंज्यूम करते हैं फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को अवॉइड करते हैं साथ ही साथ स्नैकिंग ज़्यादा करते हैं मतलब कह सकते हो कि स्नैक्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं और डाइटिंग भी करते हैं और इनकी डाइटिंग का क्या मतलब होता है डाइटिंग का मतलब इनको यही समझ में आता है कि अगर ये मील्स को स्किप करेंगे तो इनकी क्या हो जाएगी डाइटिंग हो जाएगी और इनकी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी जबकि आपको भी पता है कि सच में ऐसा कुछ नहीं होता मील स्किप करने से कुछ नहीं होता सिर्फ इसका हार्मफुल इफेक्ट ही पड़ता है आपकी हेल्थ पे By addressing each of these issues individually, you can ensure that you are meeting the minimum nutritional requirements. तो इन सब इश्यूज़ को आप देख सकते हो समझ सकते हो और आप लोग आप लोग भी एडोसेंट ही हो तो आप लोग समझ सकते हो कि आपके अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ठीक है और आपको उसको कैसे फुलफिल करना है ठीक है ना इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है इरेगुलर मील्स एंड स्किपिंग मील्स ये भी अडोलसेंट्स की एक कह सकते हो ना बुरी आदत होती है कि वो क्या करते हैं इरेगुलर मील्स लेते हैं टाइम टाइम पे रेगुलर मील्स नहीं लेते और वो मील्स को स्किप भी करते हैं द नंबर ऑफ मील्स टीन एजर्स मिस एंड ईट अवे फ्रॉम होम इंक्रीजेस फ्रॉम अर्ली एडोसंस टू लेट एडोसन रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग नीड फॉर इंडिपेंडेंस एंड टाइम अवे from होम देखो अगर एडोसेंस जब स्टार्ट होती है तब से लेके लेट एडोसेंस तक जो हमारे टीन होते हैं उनके अंदर मील्स को मिस करना बाहर खाना खाना कुछ ज़्यादा ही होता है ठीक है इस पीरियड में एडोसेंस ऐसा ज़्यादा करते हैं ठीक है और ये क्या दिखाता है ये ये दिखाता है कि अडोलसनस क्या होना चाहते हैं इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं वो ज़्यादा टाइम अपने घर से बाहर स्पेंड करना चाहते हैं ठीक है थीके? इसी वजह से वो मील्स को स्किप भी करते हैं और बाहर खाते हैं ठीक है द इवनिंग मील अपीयर्स टू बी द मोस्ट रेगुलरली ईटिन मील ऑफ द डे तो अडोलस वाले पीरियड में जो इवनिंग मील होता है ना वही सबसे ज़्यादा रेगुलर होता है नहीं तो बाकी सारे मील जैसे लंच हो गया ब्रेकफास्ट हो गया ये अक्सर एडोलस क्या कर देते हैं मिस कर देते हैं गर्ल्स आर फाउंड टू स्किप द इवनिंग मील एज वेल एज ब्रेकफास्ट एंड लंच मोर ऑफन देन बॉयज अगर हम लड़कियों को देखें तो इनमें मील स्किप करना ज़्यादा पाया जाता है लड़कों की तुलना में ठीक है इन सम होम्स विथ लिमिटेड रिसोर्सिस द अडोलसेंट्स में नॉट ईवन रिसीव एडिकुट नंबर ऑफ मील्स और अमाउंट्स लीडिंग टू न्यूट्रियट डिफिशेंसी देखो कुछ ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से जो अडोलसेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर मील uh, नहीं मिल पाती प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती जिसकी वजह से उनके अंदर न्यूट्रियट डेफिशेंसी हो जाती है ठीक है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नु, की कमी हो जाती है ठीक है ब्रेकफास्ट इज फ्रीक्वेंटली नेग्लेक्टेड एंड इज ओमिटेड मोर ऑफन बाय टीनएजर्स एंड यंग एडल्ट्स अंडर ट्वेंटी फाइव इयर्स ऑफ एज देन बाय एनी अदर एज ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन किसी भी अदर एज ग्रुप की तुलना में ट्वेंटी फाइव ईयर्स से कम वाले लोग या टीन एजर्स ब्रेकफास्ट को ज़्यादा निगलैक्ट करते हैं ठीक है कोई भी एज ग्रुप उतना ब्रेकफास्ट को निगलेक्ट नहीं करती जितना ट्वेंटी फाइव ईयर्स से कम के लोग निगलैक्ट करते हैं या टीन एजर करते हैं ठीक है अ लाइकली एक्सप्लेनेशन एज टू वाई गर्ल्स आर मोर एप टू मिस ब्रेकफास्ट देन आर बॉयज इज टू परस्यूट ऑफ थिननेस एंड फ्रिक्वेंट अटैप्ट एट डाइटिंग देखो लड़कियों में क्यों ब्रेकफास्ट को स्किप करना ज़्यादा होता है क्योंकि ये अपनी पर्सनालिटी को लेके के कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस होती हैं ठीक है ये क्या चाहती हैं कि ये थिन दिखें जिसकी वजह से ये क्या करती हैं ब्रेकफास्ट को भी स्किप करती हैं और कभी कभी बहुत सारे ऐसे जो आ, मील्स होते हैं जिनको ये क्या करती हैं स्किप कर देती हैं ठीक है many teenage girls believe that they can control their weight by omitting breakfast or lunch बहुत सारी टीन ऐज गर्ल्स को क्या लगता है कि वो अपने वेट को कंट्रोल कर सकती हैं अगर वो ब्रेकफास्ट को ओमिट कर दें या लंच को ओमिट कर दें तो अगर वो ब्रेकफास्ट या लंच को स्किप कर दें तो वो अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकती हैं ऐसा किसको लगता है ऐसा बहुत सारी टीन ऐज गर्ल्स को लगता है इनफैक्ट दिस अप्रोच इज लाइकली टू अकम्पलिश जस्ट द अपोजिट बल्कि ये जो बात है ना ये ठीक उल्टी है हमें कभी भी ब्रेकफास्ट और लंच को स्किप नहीं करना चाहिए बाय मिड मॉर्निंग और लंच टाइम दे मे बी सो हंग्री दैट दे ओवर कंपनसेट फॉर द सेव्ड किलो कैलोरीज देखो अगर हम मिड मॉर्निंग की बात करें या लंच टाइम की बात करें तो ये जो लोग होते हैं जिन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप किया होता है या लंच स्किप किया होता है उनको क्या लग जाती है भूख लग जाती है वो हंग्री फील करने लगते हैं उस समय क्या होता है जो हमारी बॉडी में सेव किलो कैलोरीज़ होती है ना जो हमारी बॉडी का सेफ्टी मार्जिन होता है उससे हमें फिर क्या मिल लेना पड़ता है न्यूट्रिएंट लेने पड़ते हैं तो जो हमारी सेव्ड किलो कैलोरी होती है ना वो धीरे धीरे फिर क्या होने लगती है ख़त्म होने लगती है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्कीपिंग ब्रेकफास्ट कैन स्लो योर metabolism, कंट्रीब्यूटिंग टू वेट गेन एंड पुअर परफॉर्मेंस तो अगर हम फैक्ट पे ध्यान दें तो क्या है कि जो हमारा ब्रेकफास्ट को स्किप करने वाली हैबिट होती है ना वो क्या करती है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती है स्लो कर देती है जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो क्या होने लगता है बढ़ने लगता है और हमारी परफॉर्मेंस क्या है वो गिरने लगती है ठीक है इसके बाद है स्नैकिंग स्नैकिंग इज प्रॉबेबली अ सर्वाइवल टेक्निक फॉर टीन्स स्नैकिंग डज नॉट हैव टू बी अ बैड हैबिट इट कैन हेल्प मेंटेन एनर्जी लेवल्स पर्टिकुलरली इन एक्टिव एंड ग्रोइंग एडोसेंट्स तो देखो स्नैकिंग क्या है इसको हम बुरा नहीं मान सकते बहुत लोग स्नैकिंग को क्या करते हैं बुरा समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता ये क्या करती है ये हमारे जो एनर्जी लेवल को क्या करती है मेंटेन करती है ठीक है तो जो भी एक्टिव और ग्रोइंग एडोलसन होते हैं उनके लिए स्नैकिंग इम्पोर्टेंट होती है ठीक है मैनी एडोलसन फेल टू ईट थ्री रेगुलर मील्स पर डे बिकॉज ऑफ स्कीपिंग मील फैक्टर्स बहुत सारे एडोलसेंस होते हैं जो कि जो तीन रेगुलर मील्स होते हैं ना उनको वो स्किप कर देते हैं ठीक है और उस समय जो ये स्नैकिंग होती है वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है तीन रेगुलर मील्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ठीक है द स्नैकिंग कैन एक्चुअली बी बेनिफिशियल टू इंश्योर एडिक्वेट इनटेक ऑफ इजेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो इसीलिए जो स्नैकिंग के थ्रू हमें क्या मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं हाउ एवर सर्वाइविंग ओनली ऑन स्नैक्स इज हार्मफुल टू हेल्थ लेकिन अगर सिर्फ आप स्नैक्स पे सर्वाइव कर रहे हो तो फिर आपकी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल हो सकता है ठीक है स्नैक्स लेने चाहिए मगर खाली स्नैक्स पे ही आपको सर्वाइव नहीं करना है आपको ये जो थ्री रेगुलर मील्स है ना इनको भी लेना है नेक्स्ट है फास्ट फूड्स

तो वो लोग क्या करते हैं फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं क्यों क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है यानी कि जैसा अडोलसेंस को टेस्ट चाहिए होता है वैसा टेस्ट इनको फ़ास्ट फूड से मिलता है ठीक है स्पाइसेस जो भी चीज़ें उसमें यूज़ हुई होती हैं वो टेस्टी लगती हैं एडोलसेंस को इसीलिए तो वो खाते हैं दूसरी चीज़ ये एक सोशल अफेयर भी होता है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो एडोलसन्स हैं ना उनको ये भी लगता है कि फ़ास्ट फूड खाना या अपने दोस्तों को फास्ट फूड खिलाना ये आजकल का क्या है फैशन है तो अपने आप को अपने दोस्तों के सामने अच्छा दिखाने के लिए अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए जो एडोलसनस होते हैं वो फास्ट फूड पर ज़्यादा फोकस करते हैं ठीक है फ़ास्ट फूड इज़ ऑफन पैक्ड विथ फैट एंड एम्पटी कैलोरीज तो जो फास्ट फूड होते हैं ना उनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं वी शुड मेक स्मार्ट फूड चॉइसेस इवन व्हेन विजिटिंग फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स तो अब ऐसा नहीं है कि हमें फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए लेकिन वहाँ पर हमें स्मार्ट फूड चॉइसिस अपनानी चाहिए ठीक है टेबल टू प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट फास्ट फूड आगे टेबल टू आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे फास्ट फूड्स के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइटिंग ऑप्सिटी इज बिकमिंग अ क्रूशियल प्रॉब्लम अमॉन्ग एडोलसेंस ऑप्सिटी क्या होती है मोटापा तो जो ऑप्सिटी है ये एडोलसेंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है

वो क्या होंगे वो ओवर वेट हो जाएंगे ठीक है वो एडल्ट एज अ एडल्ट वो क्या रहेंगे वो ओवर वेट रहेंगे दिस कैन पुट दैम एट रिस्क फॉर मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर हाई कोलेस्ट्रॉल एंड स्लिप अपेनिया अस्लिप डिसऑर्डर देखो अगर जो लोग हैं उनका बॉडी वेट कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्या क्या आ सकती हैं डायबिटीज़ हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो सकता है और स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये ओवर वेट के कारण होती है ऑप्सिटी के कारण होती है तो वेट को मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है अब देखो यहाँ पे टेबल टू जिसका हमने यहाँ पे अभी जिक्र किया था ना फास्ट फूड वाले कॉलम में ये टेबल टू यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे ये बताया गया है न्यूट्रिशनल लिमिटेशन ऑफ़ फास्ट फूड कि फास्ट फूड की न्यूट्रिशनल लिमिटेशंस क्या होती हैं द फॉलोइंग फैक्टर्स अपीयर टू बी मेजर न्यूट्रिशनल लिमिटेशन ऑफ फास्ट फूड मील्स कैल्शियम राइबोफ्लेविन विटामिन ए डीज इजेंशियल न्यूट्रीशन आर लो अनलेस मिल्क और मिल्क शेक इज ऑर्डर देखो ये जो कैल्शियम है राइबोफ्लेविन है और विटामिन ए है ये फास्ट फूड में नहीं होता ठीक है ये बहुत ज़्यादा इजेंशियल न्यूट्रीनस हैं ये फास्ट फूड में नहीं पाए जाते अगर मिल्क या मिल्क से बनी चीज़ कोई ऑर्डर आपने नहीं की है तो अगर आपने मिल्क शेक ऑर्डर किया आइसक्रीम ऑर्डर की या जो भी ऐसी चीज़ जो कि जिसमें मिल्क यूज़ uh, हुआ है तब तो ठीक है तब आपको कैल्शियम राइबोफ्लेविन और विटामिन ए मिल जाएगा लेकिन आपने अगर ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर की है जिसमें मिल्क नहीं है या मिल्क से रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ नहीं है तो वहां पे फिर आपके अंदर कैल्शियम के राइबोफ्लेविन और विटामिन ए की कमी हो सकती है दूसरा है फॉलिक एसिड और फाइबर देयर आर फ्यू फास्ट फूड सोर्सेस ऑफ दीज की फैक्टर्स तो बहुत कम फास्ट फूड ऐसे हैं जहाँ पे जिनके अंदर फॉलिक एसिड या फ़ाइबर पाया जाता है ठीक है तो अगर फास्ट फूड को देखें फ़ास्ट फूड अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो समझ लो कि हमारे अंदर फॉलिक एसिड और फ़ाइबर की कमी हो सकती है फिर है फ़ैट द परसेंटेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फैट इज़ हाई इन मैनी मील कॉम्बिनेशंस तो अगर हम फास्ट फूड को देखें तो वहाँ पे फैट का जो परसेंटेज है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है ठीक है मतलब जो हमें एनर्जी फैट से मिलती है वो कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाती है फिर है सोडियम द सोडियम कंटेंट ऑफ फास्ट फूड मील्स इज हाई विच इज़ नॉट डिजायरेबल सोडियम भी बहुत ज़्यादा होता है फास्ट फूड में जो कि डिजायरेबल नहीं है ठीक है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है फिर है एनर्जी कॉमन मील कॉम्बिनेशन कंटेन एक्सेसिव एनर्जी वेन कंपेयर्ड विद द एमाउंट्स ऑफ अदर न्यूट्रियट्स प्रोवाइडेड तो जो हमारे फ़ास्ट फूड होते हैं ना उसमें एनर्जी कुछ ज़्यादा ही होती है एनर्जी हमें उससे कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है ठीक है और बाकी जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो कम मिलते हैं तो सिर्फ एनर्जी से तो आपका काम चलेगा का नहीं आपको अदर न्यूट्रिएंट्स की भी तो ज़रूरत है तो यहाँ पे एनर्जी हमें फ़ास्ट फूड से ज़्यादा मिलती है ऑल दो फास्ट फूड कैन कॉन्ट्रीब्यूट न्यूट्रिय टू द डाइट दे कैन नाट कम्प्लीटली मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ टीन एजर्स देखो अब ऐसा नहीं है कि फ़ास्ट फूड एकदम न्यूट्रियस नहीं देते उनके अंदर भी न्यूट्रियस होता है लेकिन आप सिर्फ कम्प्लीटली फास्ट फूड पर ही डिपेंड नहीं रह सकते ठीक है क्योंकि वो हर न्यूट्रियट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते

ठीक है खाली फास्ट फूड ही नहीं खाना है ठीक है आप एक बैलेंस्ड डाइट लो उसके बाद अलग से आप फास्ट फूड भी खा सकते हो बट वेन दे बिकम द मेन स्टे ऑफ द डाइट देयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न तो यही बताया गया है कि अगर आप खाली फास्ट uh, फूड ही खाते हो तो फिर चिंता की बात है अन्यूट्रिय बैलेंस मे नॉट appear to be a a problem problem until a number of years have gone by unless some specific problem, such as chronic disease स है ना वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा आपको लगेगा अरे यार कहाँ हम बीमार हो रहे हैं ठीक है food खाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होता है धीरे धीरे ये चीजें आपको हार्म करती हैं ठीक है आपको ये चीज़ तब समझ में आएगी जब आपकी एज बढ़ेगी और फिर आपको क्रॉनिक डिजीज़ेस हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो फास्ट फूड थे वो कितने ज़्यादा हार्मफुल थे आपके लिए ठीक है तो एकदम से ये आपको बीमार नहीं करते ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को हार्म करते हैं हाउ एवर एविडेंस इज एकमुलेटिंग टू शो दैट फूड इन टेक ऑफ टीन अफेक्ट देअर हेल्थ इन लेटर लाइफ और यहाँ पे कुछ एविडेंस भी है जो ये शो करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं जो एज अ टीन या एज अडोलसेंट जो हम खाते हैं वो हमें बाद में अफेक्ट करता है हमारी बाद की जो लाइफ होती है ना आफ्टर थर्टी आफ्टर थर्टी फाइव वो चीज़ें फिर हमें अफेक्ट करना क्या करती हैं शुरू करती हैं ठीक है हाउ एवर अडोलसेंस विथ नॉर्मल वेट ऑफ एन डाइट बिकॉज ऑफ द परसेप्शन दैट थिन इज इन देखो अडोलसेंस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका वेट एकदम नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी वो डाइटिंग करते हैं क्यों क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो थिन रहेंगे तभी वो एक्सेप्टेबल होंगे लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे अदरवाइज उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा गर्ल्स आर बॉम्बार विथ मैसेजेस फ्रॉम द मीडिया अबाउट थिननेस इमेजेस ऑफ वॉट इज कंसीडर्ड अ ब्यूटिफुल बॉडी एंड वेज टू अचीव अ लोअर बॉडी वेट मीडिया के थ्रू गर्ल्स को ये पता चलता रहता है कि वो कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकती हैं कैसे अपने बॉडी वेट को कम कर सकती हैं कैसे वो एक ब्यूटीफुल बॉडी पा सकती हैं ठीक है द इमेज इन द कॉन्टेक्सट ऑफ अ सोसाइटी दैट प्लेस अ हाई वैल्यू On physical beauty send mixed messages to teenagers and may result in unhealthy, unnecessary attempts to lose weight. देखो एक होता है ना कि हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ अच्छे दिखने वालों को ही वैल्यू मिलती है ठीक है तो ऐसे में जो हमारे टीन एजर्स होते हैं उनके दिमाग में ये आ जाता है कि अगर वो अच्छे नहीं दिखेंगे अगर उनका बॉडी वेट नॉर्मल नहीं होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और फिर अच्छा दिखने के लिए अपनी बॉडी वेट को नॉर्मल करने के लिए वो अनहेल्दी चीजें अपनाते हैं अनहेल्दी तरीके अपनाते हैं और ऐसे अटैम्प्ट करते हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं कभी कभी जरूरत भी नहीं होती कभी कभी उनकी बॉडी एकदम सही लगती है लेकिन उनको लगता है कि उनकी बॉडी खराब है और फिर वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं वेट को लूज करने के लिए ठीक है डाइटिंग अनसुपरवाइज बाई एक्सपर्ट्स कैन लीड टू डेंजरस आउटकम्स इंक्लूडिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स इन टीन अब देखो होता क्या है कि ये कहा गया है कि डाइटिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है टीन के लिए इसके वजह से टीन में कई सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं अब यहाँ पे कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं जो कि टीन में देखे जाते हैं जब वो डाइटिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो वो मील्स को स्किप करेंगे दूसरा वो बिंज करेंगे, जहां पे वो करेंगे पे क्या करते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा खाते हैं इकट्ठे मतलब वो खाना अच्छे से लेके नहीं खाएंगे वो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे और फिर वो डाइटिंग पिल्स भी लेंगे ठीक है वो क्या करेंगे दवाइयाँ तरह तरह की लेंगे जिससे वो क्या हो सके पतले हो सके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच डाइटिंग इंक्लूड इट्स पॉसिबल एसोसिएशन विथ साइकिल्स ऑफ वेट लूज एंड रीगेन दैट इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ डेवलपिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड ऑप्सिटी लोअर्ड सेल्फ स्टीम एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अब ऐसा करने से क्या होता है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना वो खराब होते हैं ठीक है ठीके? इससे क्या होता है कि वेट लूज करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं क्यों क्योंकि मान लो आपने मील स्किप किया आपने दो तीन मील्स को क्या कर दिया स्किप कर दिया आपने पूरा दिन नहीं खाना खाया लेकिन आपको भूख तो लगेगी ना फिर अगले दिन जाके आपने क्या कर लिया खूब ढेर सारा खाना खा लिया तो फिर वो क्या होगा वो आपकी बॉडी में जमा तो होगा ही एक साथ आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो, तो जिसकी वजह से क्या होता है मोटापा uh, आएगा ईटिंग डिसऑर्डर्स होंगे हमारे अंदर और फिर हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो क्या होने लगेगी लो होने लगेगी और फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हमारे अंदर आएगी हम दिमाग दिमागी रूप से भी सही फील नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि भैया जब हम खाना ही अच्छा नहीं खा रहे हैं हमें हेल्दी डाइट ही नहीं मिल रही है तो फिर हमारा माइंड कैसे हेल्दी रहेगा ठीक है दिस कैन लीड टू इंक्रीज कार्डियोवेस्कुलर रिस्क हार्ट प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल मोर्टैलिटी तो इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो होता है ना वो बढ़ सकता है यानी कि एडोलसेंस के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और फिर उनकी डेथ भी हो सकती है वन अप्रोच टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइटिंग इज टू टू एलिमिनेट द टर्म डाइट एंड रिप्लेस इट विथ हेल्दी ईटिंग तो अगर इन सब चीज़ों को आपको ख़त्म करना है इन सब प्रॉब्लम्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये जो डाइट वाला टर्म है ना इसको एलिमिनेट करके एक नया टर्म यूज़ करना होगा जो कि है हेल्दी ईटिंग यानी कि डाइट जब आप कहते हो ना जब आप डाइटिंग करते हो तो आपके दिमाग में फिर मील को स्किप करना ही आता है तो इससे बढ़िया आप अपने दिमाग में क्या टर्म रखो हेल्दी ईटिंग कि आपको हेल्दी फूड्स खाने हैं ठीक है If you are regularly incorporate healthy lifestyle and dietary practices into your life, you are less likely to diet on cons डाइट ऑन कंस कंसिस्टेंट बेसिस अगर आप रेगुलरली हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हो आपकी डाइटरी प्रैक्टिस भी अच्छी हैं मतलब अच्छा डाइट लेते हो तो फिर आपको कभी भी अपने वेट के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कभी भी आपको डाइटिंग के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा Recognizing good eating habits is the first step towards encouraging healthy diets. तो healthy diets को encourage करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अच्छी eating habits को समझें और उनको adopt करें। It is best to adopt a healthy lifestyle that incorporates sound eating habits and regular exercise. तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें जिसमें हम अच्छा खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें ठीक है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफाइंग डाइट रिलेटेड बिहेवियर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आई होप जो भी हमने आज पढ़ा आपको सब समझ में आया हो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग